हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। दोस्तों, ट्रिपल सी की बात करें, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, जो आजकल हर गवर्नमेंट वैकेंसी में इस कोर्स का मान्यता दी जा रही है। अगर आप एलिजिबल क्वालिफिकेशन में अगर आप ट्रिपल सी नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आजकल हर गवर्नमेंट वैकेंसी में ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% ट्रिपल सी मांगा जा रहा है, ट्रिपल सी और ओ लेवल मांगा जाता है। ट्रिपल सी वो भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं, ट्रिपल सी NIELIT गवर्नमेंट से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। वही उस इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से ही ट्रिपल सी अगर ओ लेवल किया हुआ है, ट्रिपल सी किया हुआ है, उसी से ही मान्यता है। बाकी कोई अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आपने ट्रिपल सी किया हुआ, ओ लेवल किया हुआ है, नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ NIELIT DOEX से जो एफिलिएटेड है वही से मांगा जाता है। अब चले हम ट्रिपल सी के लिए, ओ लेवल के लिए जो NIELIT से मांगा जाता है, हम चले कोई इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोचिंग में, जहां 5,000 से 10,000 15,000 20,000 रुपये चार्ज करते हैं 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए, 1 साल के ड्यूरेशन के लिए। जबकि हम सिर्फ बात करें ट्रिपल सी के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ 575 रुपये की फीस में आप इस कोर्स से एनरोल्ड हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, NIELIT के इंस्टीट्यूट है, उससे सिर्फ 575 रुपये से हम कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं और सर्टिफिकेट हमको मिल सकता है और फिर हम गवर्नमेंट वैकेंसी भर सकते हैं। लेकिन हम कोचिंग और कंप्यूटर कोर्स का वहाँ से हम परेशान होते हैं, कंप्यूटर कोचिंग महंगे महंगे कोचिंग में जाते हैं, 5,000 10,000 20,000 रुपये जितने कोर्स रहता है हम उसमें पैसा खर्च करते हैं और अपना समय भी बर्बाद करते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं। और देखा जाए वास्तव में बात है, सिर्फ और सिर्फ 575 रुपये फ़ीस लगती है। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम 575 रुपये में ट्रिपल सी है जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है उससे एनरोल्ड कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं, student.NIELIT की साइट है, आइए देखते हैं। ये गवर्नमेंट की एफिलेटेड साइट है कोर्स की, ऑनलाइन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम NIELIT, जहां ट्रिपल सी ओ लेवल बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये साइट है इनकी गवर्नमेंट एफिलिएटेड, इसी से ट्रिपल सी होना तभी मान्यता है, वरना अदर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट NIELIT का नहीं होगा तो ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो मान्यता नहीं रहती है। ज़्यादातर अब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अब इससे करवाने लगे हैं, महंगे महंगे 5,000 10,000 15,000 इस तरह फीस चार्ज करते हैं। जब तक आप इससे डायरेक्ट अप्लाई करके खुद से पढ़कर सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में जाएंगे ट्रिपल सी भरने के लिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये फॉर्म खुल रहा है आपका, ये देखिए आपको दिखा दें कि हर महीने एग्ज़ाम होता है इसका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर महीने एग्ज़ाम होता है। आप हर महीने अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं, बाई चांस फेल हो गए, आप फिर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरे महीने एग्ज़ाम दे दीजिए, पास हो जाएंगे आप, तीसरे महीने एग्ज़ाम दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 575 रुपये फ़ीस लगती है इसकी। अब आइए आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमने चेक किया, आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक किया, यहाँ पर ये फॉर्म खुल गया है। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपका पहला कॉलम है, आपका पूछता है वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जाम, क्या आपने पहले ट्रिपल सी का आवेदन कर चुके हैं। आपने अगर फर्स्ट टाइम दिया हुआ है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल्स का दूसरा कॉलम है, यहाँ पे एप्लीकेंट्स का फुल नेम केयर ऑफ पेरेंट्स में डालना है आपको क्लिक करना है, फादर्स नेम में अपने पिताजी का नाम डालिए, मदर्स नेम में डालिए, जेंडर डालिए, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी किस कैटेगरी जनरल OBC SC ST, ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट है, ये गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट वैकेंसी है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल का कॉलम ये है, एड्रेस अपना डालिए, सिटी डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, आपकी हायर क्वालिफिकेशन मतलब आपका कहाँ तक आपकी हायर क्वालिफिकेशन वो डालिए और लास्ट क्वालिफिकेशन पास करने का ईयर क्या था वो डालिए। अप्लाइड एस आप किस तरह अप्लाइड करना है, डायरेक्ट आप खुद सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं या डायरेक्ट इंस्टीट्यूट किसी इंस्टीट्यूट की तरह, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट लोग यही करते हैं कि आपको उससे पैसा लिया, 5,000 10,000 रुपये फीस के नाम पे 6 महीने 1 साल का ड्यूरेशन बताया, वो भी यही काम करेंगे। लास्ट में अगर 1 साल का ड्यूरेशन लेते हैं कोई, अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं इस ट्रिपल सी का कोर्स करने के, 1 साल का ड्यूरेशन वो बताया और 10,000 रुपये फीस चार्ज की, 11 महीना आपको पढ़ाएगा, 11वें महीने यही फॉर्म भरेगा कि सिर्फ और सिर्फ 575 रुपये भर के यही एग्ज़ाम देना है, जाए कान इधर से पकड़िए जाए उधर से कान पकड़िए, यही आना तो आपको यहीं पे है।
आधार नंबर यहाँ पे भरना है, अपलोड आपको फोटो करना है जो 50 KB से ज़्यादा नहीं रहेगी, अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, और लेफ्ट हैंड थंब का आपके अंगूठे का इंप्रेशन उसको भी स्कैन करके इसमें अपलोड करना है। यहाँ पे आप 2004G कोड आएगा आपको, जो यहाँ पे चेक करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको फीस पेड करनी है जो RTGS NFT ऑनलाइन बैंकिंग से आप अपनी फीस पेड कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगा, विद इन 7 डेज आपको मैसेज मिल जाएगा कि आप CCC में इनरोल हो चुके हैं, आपको नेक्स्ट मंथ किस डेट को एग्ज़ाम देनी है। आपको मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा किस मंथ एग्ज़ाम की डेट होगी, एडमिट कार्ड किस डेट को आएगी, वो सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 575 रुपये में ये आप डायरेक्ट CCC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बाज़ार में कई CCC की बुक्स आती हैं, आप उसको पढ़कर दे सकते हैं। बहुत टफ़ पेपर नहीं आता है, बहुत इजी पेपर आता है। आप सब आजकल ज़माने में कंप्यूटर सबको ही चलाना आता है, इतना हवा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ISPCS का एग्ज़ाम आता है कि हम 10,000-15,000 रुपये खर्च करके और ये कोर्स करें हम। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 575 रुपये में ये कोर्स कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट आपको क्वालिफाई, अगर आप CCC का क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आप नेट से भी सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, प्लस आपको कोरियर के द्वारा भी एक सर्टिफिकेट आपको आएगा, गवर्नमेंट एफिलेटेड NIELTS की तरफ से भी आपको एक सर्टिफिकेट आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, लाइक के बगल में डिसलाइक भी बटन है, आपको पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप चैनल मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करें, ना मन करे तो कोई बात नहीं। आप दोस्त हैं मेरे भाई हैं। जय हिंद, जय भारत।